फिल्म की शुरुआत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मार्क के साथ होती है जो एक असामान्य सुबह उठता है। जैसे ही वह तरोताजा होता है, उसे अपने अपार्टमेंट में पानी और बिजली की भयानक अनुपस्थिति का पता चलता है। इसके बावजूद मार्क दृढ़ रहता है और काम के लिए तैयारी करता है। हालांकि उसकी योजना तब विफल हो जाती है जब वह देखता है कि मुख्य दरवाजा मजबूती से बंद है और रहस्य को और बढ़ाने के लिए वह फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी खो देता है। निडर होकर मार्क सीलबंद दरवाजे को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे बाहर से सीलेंट से गोली मार दी गई है। व्याकुल होकर वह ताजी हवा के लिए खिड़की पर सांत्वना चाहता है, लेकिन भागने का ये रास्ता भी बंद है। पड़ोस की इमारत में वह दूसरों को मदद की तलाश में बेचैन देखता है और संकट अनुकूल आकृतियां इधर उधर घूम रही हैं, जो दुर्दशा के प्रति उदासीन हैं। निराश और दृढ़ निश्चयी मार्क ने खुद को छुड़ाने के लिए हथौड़े का सहारा लिया, लेकिन उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप उसे दर्दनाक चोट लग गई। सामने आने वाली घटनाओं ने कारावास की एक रहस्यमय कहानी के लिए मंच तैयार किया है, क्योंकि मार्क उन अज्ञात ताकतों से जूझ रहा है जिन्होंने उसकी दुनिया को बंद कर दिया है, जिससे उसे एक ऐसी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है जो तेजी से अवास्तविक और अशुभ लगती है। जैसे ही मार्क अपनी सीमित वास्तविकता से जूझ रहा है, अचानक एक व्यवधान उत्पन्न होता है जब सगे एक दृढ़ और गर्म स्वभाव वाला युवा लड़का दीवार तोड़कर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। सगे के साथ उसका छोटा भाई निको और कुछ और पड़ोसी सैली और एडेन दीवार के छेद से बाहर निकलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरी मंजिल को रहस्यमय तरीके से बाहर से सील कर दिया गया है। एक सरकारी अधिकारी एडेन स्थिति के बारे में अपना डर व्यक्त करता है, यह अनुमान लगाते हुए कि कुछ अशुभ सामने आने वाला है। मदद के लिए पुकारने की बेताब कोशिशों के बावजूद समूह को खामोशी का सामना करना पड़ा। एक अप्रत्याशित इंटरकॉम घोषणा उनकी चिंता को और अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि एक आवाज उन्हें आश्वस्त करती है कि चिकित्सा कर्मचारी नियंत्रण लेने का प्रयास कर रहे हैं। अनिश्चितता के बीच सैली एक नर्स मार्क के घायल हाथ की देखभाल करती है, टांके लगाती है और राहत का क्षण देती है। जैसे ही समूह छोटी छोटी बातों में व्यस्त होता है, मार्क अपने बुजुर्ग पड़ोसी एनिट को याद करता है। तत्काल वह सगे को एनिट के अपार्टमेंट की दीवार को तोड़ने का निर्देश देता है। प्रवेश करने पर मार्क को पता चलता है कि एनिट शांति से सो रहा है और उनके आसपास की रहस्यमय घटनाओं की एक परत खुल जाती है। निम्नलिखित दृश्य में समूह खिड़की के पास इकट्ठा होता है, जो सामने आने वाली घटनाओं को जानने के लिए उत्सुक होता है। हजमत सूट पहने श्रमिकों को पड़ोस में अस्थायी चिकित्सा टेंट का निर्माण करते देखा जाता है। इंटरकॉम एक बार फिर बजता है, इस बार स्थिति के लिए हानिकारक गैस रिसाव को जिम्मेदार ठहराया जाता है और सभी से घर के अंदर रहने का आग्रह किया जाता है। हालांकि समूह के बीच संदेह पनप रहा है, विशेष रूप से एडेन, जिन्हें संदेह है कि अधिकारी अधिक गंभीर सच्चाई छिपा रहे हैं। मार्क चिकित्सा कर्मियों को कीटाणुनाशक का छिड़काव करते और संक्रमित व्यक्तियों को उनके शिविर तक ले जाते हुए देखता है। स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब भागने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को स्नाइपर द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे देखने वाले सदमे में आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद हजमत पहने कर्मचारी जबरदस्ती पास के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और विरोध करने पर निवासियों को बाहर खींच लेते हैं। ये देखकर मार्क और समूह को ये भयावह एहसास हुआ कि मेडिकल स्टाफ किसी भी समय उनके अपार्टमेंट तक पहुंच सकता है। भागने के साझा दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वे दरवाजा तोड़ने और अशुभ प्रोटोकॉल को चुनौती देने के लिए विचारों पर विचार मंथन करना शुरू कर देते हैं और सच्चाई और स्वतंत्रता के लिए एक खतरनाक संघर्ष में उतर जाते हैं। बहुत विचार विमर्श के बाद मार्क को अपने अपार्टमेंट में संक्षारक रसायनों की याद आती है, जो संभावित रूप से सीलेंट को भंग कर सकते हैं और उन्हें कैद से मुक्त कर सकते हैं। समूह तुरंत कार्रवाई में जुट जाता है और रसायनों की खोज करता है। एक बार स्थित हो जाने पर मार्क ने उन्हें मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसे वह फिर मुख्य दरवाजे के नीचे डाल देता है। चमत्कारिक रूप से योजना सफल हो जाती है, सीलेंट ढीला हो जाता है और सामूहिक प्रयास से समूह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। अपनी नई मिली आज़ादी से सशक्त होकर समूह सुरक्षित भागने की योजना बनाना शुरू कर देता है। इमारत के ऊपर छिपे स्नाइपर से पूरी तरह वाकिफ है। हालांकि उनकी चर्चा अचानक रुक जाती है जब एनिट को पता चलता है कि सगे का छोटा भाई निको गायब है। लड़के की सुरक्षा के लिए चिंतित, समूह ने अपनी भागने की योजना को छोड़ दिया और अपना ध्यान निको का पता लगाने पर केंद्रित कर दिया, यह महसूस करते हुए कि सुरक्षा की उनकी यात्रा अप्रत्याशित चुनौतियों और खतरों से भरी है। अराजकता के बीच भयभीत निको एयर वेंट के माध्यम से दूसरी मंजिल पर उतरता है। वहाँ वह हजमत पहने कर्मचारियों को एक महिला को अपने साथ चलने के लिए मनाते हुए देखता है।
उसे शामक इंजेक्शन देने से स्थिति गंभीर मोड़ ले लेती है क्योंकि महिला अनियंत्रित रूप से खांसने लगती है और गिर जाती है, जो एक घातक हवाई खतरे का संकेत देती है। अपनी मंजिल पर वापस मार्क अंततः निको का पता लगाता है और वेंट के माध्यम से एक अस्थायी रस्सी फेंक कर उसे बचाने का प्रयास करता है। इससे पहले कि निको पकड़ सके, हजमत पहने हुए कर्मचारी ने उसे देखा और जबरदस्ती खींच लिया। अपने भाई की जान के डर से बेसबॉल के बल्ले से लैस सगे और मार्क तेजी से नीचे की ओर जाते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर क्रोधित सगे ने हजमत व्यक्तियों का सामना किया। गुस्से में आकर उसने हमला कर दिया, जिससे स्टाफ के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई। सगे ने मौके का फायदा उठाते हुए शेष स्टाफ सदस्य को पकड़ लिया और उसे जबरन अपने अपार्टमेंट में ले गया। सैली को यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसे अपने सामान के बीच धुएं वाले हथगोले मिले, जिससे स्थिति पर संदेह पैदा हो गया। जैसे ही मार्क महिला स्टाफ सदस्य हेजल से पूछताछ करने का प्रयास करता है, सगे मामले को अपने हाथों में ले लेता है और उसे एक नोट के साथ दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है, जिसमें लिखा होता है, मुझे एक मिल गया है। प्रारंभिक तनाव के बावजूद मार्क हेजल के साथ धीरे से जुड़ता है, उनकी दुर्दशा की गंभीरता को समझने की कोशिश करता है। हेजल, हजमेट पहने हुए कर्मचारी अनिच्छा से बताते हैं कि वे मदद के लिए वहाँ हैं। हालांकि मार्क द्वारा उसके सुरक्षात्मक सूट को हटाने के प्रयास से डर पैदा हो गया, जिससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनका परिवेश एक घातक वायरस से संक्रमित हो गया है। अपनी स्थिति की गंभीरता से भयभीत होकर हेजल ने जानकारी का खुलासा करना शुरू कर दिया। वो क्षेत्र में फैल रहे एक घातक वायरस की गंभीर वास्तविकता का खुलासा करती है, जिससे तेज खांसी, सांस लेने में कठिनाई और यहाँ तक कि अंधापन जैसे लक्षण पैदा होते हैं। वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है। जब मार्क संचार प्रणालियों के बंद होने पर सवाल उठाता है, तो हेजल एक सरकारी साजिश का पर्दाफाश करती है। उन्होंने खुलासा किया कि अधिकारी घबराहट को रोकने के लिए जनता से जानकारी छिपा रहे हैं, जिससे समूह के लिए धोखे और खतरे का जटिल जाल सामने आ रहा है। जैसे ही हेजल घातक वायरस के बारे में सच्चाई उजागर करती है, वो जनता के डर से उत्पन्न घबराहट खरीद के उन्माद का खुलासा करती है, जिसमें टॉयलेट पेपर जैसी वस्तुओं का बेतुका भंडारण भी शामिल है। वह इस बात पर जोर देती हैं कि बढ़ी हुई घबराहट वायरस को रोकने की चुनौती को और बढ़ा देती है। हेजल ने गंभीर रूप से खुलासा किया कि कमरे में मौजूद लोगों में वायरस से संक्रमित होने की 50-50 संभावना है। सगे एक बार फिर क्रोध से भस्म हो गया, आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता है, चाकू पकड़ लेता है और हेजल के सुरक्षात्मक कपड़े फाड़ देता है। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में हेजल एक इंजेक्शन के लिए पहुंचती है, लेकिन सगे उसे जब्त कर लेता है, जिससे समूह सदमे में आ जाता है। हेजल, जो अब उजागर हो चुकी है और असुरक्षित है, स्वीकार करती है कि टीका अभी भी अपने परीक्षण चरण में है, जिसकी प्रभावकारिता की कोई गारंटी नहीं है। वह समूह को तब तक घर के अंदर रहने की सलाह देती है जब तक अधिकारी स्थिति को संभाल नहीं लेते। हालांकि जब समूह उस रात बाद में अपनी भागने की योजना पर चर्चा करता है, तो हेजल भागने का प्रयास करती है। डर और हताशा से प्रेरित होकर सगे ने उसे जमीन पर पटक दिया और शारीरिक हिंसा के माध्यम से अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अराजकता के बीच मार्क हस्तक्षेप करने और सगे के हिंसक विस्फोट को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके प्रयास केवल सगे के क्रोध को आकर्षित करते हैं। हंगामा तब परेशान करने वाले चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, जब अनजाने में सगे निको को थप्पड़ मार देता है, जिससे युवा लड़का रोने लगता है। तब समूह को पता चलता है कि एक क्रोधित भीड़ उनकी इमारत की ओर आ रही है, जो वर्तमान स्थिति के बारे में हेजल से जवाब मांग रही है। हेजल, जो अब डरी हुई और अकेली है, समूह से भीड़ को दूर रखने का आग्रह करती है, उसे डर है कि वे वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। चिंतित होकर समूह ने जल्दबाजी में एक भारी वस्तु के साथ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही भीड़ आती है, दरवाजा पीटती है, सैली उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कांच के टूटे हुए टुकड़े से घायल हो जाती है। समय समाप्त होने पर सगे ने गुस्साए लोगों पर एक धुआं बम फेंका और सैली को उनके अपार्टमेंट में ले गया। दुख की बात है कि बहुत देर हो चुकी है और सैली का काफी मात्रा में खून बह चुका है। हेजल द्वारा उसे बचाने के प्रयासों के बावजूद सैली ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एडेन नुकसान से टूटकर टूट जाता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। इसके बाद समूह ने सैली के शरीर को कपड़े के टुकड़े से लपेट दिया। एक गमगीन दृश्य में वे एडेन की तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जैसे जैसे निराशाजनक स्थिति बढ़ती है, सैली की मौत से दुखी एडेन हेजल का खतरनाक सूट पहनकर अपार्टमेंट से खतरनाक तरीके से भाग जाता है। हालांकि बाहर पहुंचने पर अन्य निवासियों ने उसे मेडिकल स्टाफ समझ लिया।
स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो जाती है क्योंकि वे उसे टीकों के लिए परेशान करते हैं, जिससे हिंसक टकराव होता है। स्नाइपर की एक चेतावनी गोली से भीड़ क्षण भर के लिए तितर बितर हो जाती है, लेकिन एरिन की किस्मत एक दुखद मोड़ लेती है जब उसकी पहचान एक संक्रमित मरीज के रूप में की जाती है और उसे गोली मार दी जाती है। इस बीच हमेशा सतर्क रहने वाले सगे ने निवासियों के एक समूह को अपनी ओर भागते हुए देखा। शेष समूह से कमरे से बाहर जाने का आग्रह करने पर उसे मार्क के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो हेजल को अकेला नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तनाव तब बढ़ जाता है जब सगे गुस्से में आकर बेसबॉल के बल्ले से मार्क को बेहोश कर देता है, जिससे हेजल कमजोर हो जाती है। इसके बाद मार्क को होश आ जाता है और वो निको और अन्य लोगों को खोजने के लिए दौड़ पड़ता है। खिड़की से झांककर उसे एक भयानक रहस्य उद्घाटन होता है। हजमत पहने दो व्यक्ति इमारत के चारों ओर जहरीली गैस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे समूह निराशा के और भी गहरे दुस्वप्न में डूब गया है। समूह के साथ फिर से जुड़कर मार्क ने पहले हमले के लिए सगे पर तत्काल हमला शुरू कर दिया। टकराव एक खतरनाक बिंदु तक बढ़ जाता है जहां मार्क सगे को मौत के घाट उतारने की कगार पर है। एनिड हस्तक्षेप करता है, मार्क को शांत करने का प्रबंध करता है। हालांकि उनकी राहत अल्पकालिक होती है क्योंकि जहरीली गैस आसपास को घेर लेती है, जिससे समूह को छत पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रास्ते में मार्क ने हेजल के बेजान शरीर को देखा और उस पर दुख छा गया। इस बीच एक जीवित निवासी सगे से मदद मांगता है, लेकिन उसे क्रूर हिंसा का सामना करना पड़ता है। सगे के लगातार हमले को अन्य निवासियों ने रोक दिया, जिन्होंने उसे पकड़ लिया। मदद के लिए बेचैन सगे मार्क को चिल्लाता है, लेकिन कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं होने पर मार्क दरवाजा बंद कर देता है और एनिड और निको को छत पर ले जाना जारी रखता है। संघर्ष के बाद समूह अंततः छत पर पहुंच जाता है, जहां कई दिनों में पहली बार वे ताजी हवा में सांस लेते हैं। क्षणिक राहत में उन्होंने वहीं आराम करने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही मार्क भागने की तैयारी करता है, उसे पता चलता है कि एनिड की नींद में ही मृत्यु हो गई है। छोटे निको के साथ रह गया मार्क हर कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प है। कठोर वास्तविकता से अवगत होकर मार्क लड़के को अपनी आंखें बंद करने और नाटक करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे एक खेल खेल रहे हैं, जिससे वह आसपास की गंभीर परिस्थितियों से बच जाता है। निको को अपनी पीठ पर बिठाकर मार्क उजाड़ से गुजरता है और रास्ते में उसे बेजान शरीरों का सामना करना पड़ता है। दिल दहला देने वाले दृश्यों के बावजूद मार्क दृढ़ संकल्पित हैं और उनकी दृढ़ता को पुरस्कृत किया जाता है क्योंकि वे सफलतापूर्वक इमारत से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया भी उतनी ही उजाड़ साबित होती है, यहां तक कि संदूषण शिविरों में भी जीवन का कोई संकेत नहीं है। एक डरावनी घोषणा गूंजती है, लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह करती है और उचित प्राधिकरण के बिना बाहर किसी के भी डरने की धमकी देती है। इस गंभीर वास्तविकता का सामना करते हुए मार्क निको के साथ सुनसान इलाके में घूमने के लिए एक खतरनाक सूट पहनता है, इस उम्मीद में कि वो उस भाग्य से बच जाए जो एडिन के साथ हुआ था। चोरी छिपे उनका प्रयास अल्पकालिक होता है क्योंकि उनका सामना बगल की इमारत के एक दुखी व्यक्ति से होता है। मार्क को चिकित्सा कर्मी समझकर पीड़ा और हताशा से भरा वो व्यक्ति अपने दुखद नुकसान को याद करता है और निको पर कांच का एक तेज टुकड़ा तानता है। मार्क अपनी नागरिक स्थिति को व्यक्त करने के निरर्थक प्रयास में इस कठोर एहसास से जूझ रहा है कि सुरक्षा के लिए खतरनाक सूट अस्तित्व के लिए हताश संघर्ष में अविश्वास और संभावित नुकसान का प्रतीक बन गए हैं। भाग्य के एक क्रूर मोड़ में निको हताश हमलावर से बचने में सफल हो जाता है, लेकिन मार्क उतना भाग्यशाली नहीं है। पेट में छुरा घोंपा गया और गंभीर रूप से घायल मार्क निको की मदद से धीरे धीरे चलने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमलावर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने हताश कार्यों के परिणामों से भयभीत रहता है। अंततः पास के एक पार्क में पहुंचकर मार्क, जो अब गंभीर रूप से घायल है, एक झूले पर बैठता है। अपने आस्त निधन के बारे में जानते हुए वह निको को अपना सेल फोन सौंपता है और उसे सेवा मिलने पर कॉल करने का निर्देश देता है। निको मार्क की स्थिति की गंभीरता से बेखबर उसे एकजुट करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क केवल थके होने का नाटक करता है और निको को आश्वासन देता है कि झपकी लेने के तुरंत बाद वो उसके साथ शामिल हो जाएगा। इस बात से अनजान कि मार्क अपनी चोटों के कारण दम तोड़ रहा है, निको अपने रास्ते पर चलता रहता है। अंतिम क्षणों में मार्क की मृत्यु हो जाती है, जिससे निको को अनिश्चित भाग्य का सामना करना पड़ता है। फिल्म का अंत तब होता है जब निको, जिसे हजमत पहने हुए कर्मचारियों ने पकड़ लिया था, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के बीच जाग जाता है।
कर्मचारियों में से एक ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिल्म निको के इस विचार के साथ समाप्त होती है कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं, जो नुकसान और लुप्त होती आशा की एक हृदय विदारक यात्रा के कड़वे निष्कर्ष को दर्शाती है।